नमस्कार, मैं योगेश लांबा और आप देख रहे हैं VBM न्यूज़ खबर 24। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पिछले 71 वर्षों से लगातार रामलीला के आयोजन की प्रथा को कायम रखते हुए इस वर्ष भी भव्य रूप से रामलीला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आधुनिक रूप से राम के भक्तों को राम की लीला का वर्णन रामलीला के माध्यम से किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पलवल के जवाहर नगर कैंप स्थित सनातन धर्म मंदिर में बड़े भव्य रूप से रामलीला का आयोजन आरंभ होने जा रहा है। आपकी कमेटी की ओर से किस तरह से तैयारी की गई है? मैं सन्नी मदान प्रधान रामलीला कमेटी। हमारे यहाँ पर रामलीला भव्य रामलीला का आयोजन किया गया है सनातन धर्म मंदिर कैंप जवाहर नगर कैंप मार्केट। कितने वर्षों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है? ये हमारे यहाँ पर 71 वर्षों से रामलीला की जा रही है, जो हमारे बड़े पूर्वज हैं उनके द्वारा ये शुरू की गई थी रामलीला, जिसकी जिम्मेवारी पिछले 2 साल से मेरे को दी गई है, इसको मैं बेखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। 71 वर्ष पहले की अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत कुछ बदला हुआ समय था, आज युवा पीढ़ी काफी सक्रिय है, तो तमाम आपके साथ युवा साथी, तो कैसा आपका सहयोग मिल रहा है? मेरे युवा साथी, युवा कलाकार जो हमारे साथ हैं, हम एक से हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे हैं। इस बार जो रामलीला में जो नया देखने को मिल रहा है अलग वर्ष के भांति, एक तो है यहाँ पर LED का सिस्टम। पहले हमारे यहाँ पर जो किया जाता पर्दों का सिस्टम किया जाता था, मगर अब की बार LED का सिस्टम किया गया है, जिससे कि उसके पीछे राम दरबार बनाया जाएगा, वन का दृश्य दिखाया जाएगा, विभिन्न विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरीके से दिखाया जाएगा। तो क्या मान के चले कि जिस तरह से जमाना बदला, आधुनिक होता जा रहा, तो क्या रामलीला भी अब आधुनिक होने लगी? समय के हिसाब से कुछ बदलाव किए जाते हैं, जिससे कि दर्शकों को भी देखने में मजा आता है, नई नई जानकारी मिलती है, लोगों में उत्साह बढ़ता है, जो हमारे साथी हमारे भाई हमारे बड़े देखने आते हैं उन्हें भी आनंद मिलता है। सनी जी, बात कर लेते हैं राम की लीला को लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि राम की लीला का जब वर्णन होता है तो क्या सभी जो उनके जो उनसे जुड़े हुए पात्र थे, क्या सभी का इसमें वर्णन किया जाएगा? हमारे जो रामलीला में जो कलाकार सबका दिखाया जाता है, दृश्य जितने भी राम के विभिन्न विभिन्न पत्र होते हैं वो सभी हम। क्या नाम है आपका? अशोक सरदाना। अशोक जी, रामलीला शुरू होने जा रही है, भव्य तैयारियां की गई हैं कमेटी की ओर से, बताया जा रहा है 71 वर्षों से लगातार आप लोग इस कमेटी के साथ सक्रिय हैं, तो इस वक्त क्या विशेष मान के चले कि लोग कैसे रामलीला में पहुंचेंगे? देखो, आधुनिकता का दौर है और इस आधुनिकता के दौर में हमने अपनी रामलीला में बहुत चेंजिंग की है। पहले समय ऐसा था कि दर्शक घास पे बैठ के रामलीला देखा करते थे, उनकी जगह हमने विशेष रूप से कुर्सियों का अरेंजमेंट किया है। ये हम कुर्सियों का अरेंजमेंट हमने पिछले वर्ष से चालू कर दिया था और उसको देखते हुए अब हमने मतलब विशाल कुर्सियों का अरेंजमेंट कर दिया है। और दूसरा, जो स्टार्टिंग में पिछले वर्ष हमने LED 10x10 की लगाई थी, इस बार हमने 20x20 की LED का अरेंजमेंट किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले ढोलक और तबले पे बाजे पे रामलीला हुआ करती थी, इस बार हमने इसका जो है नया जो ऑर्गन वगैरह जो नया सिस्टम है उसको हमने चालू किया है। रामलीला के आयोजन में क्या कुछ किरदार कुछ बाहर से भी बुलाए जाते हैं या तमाम सभी लोग पलवल क्षेत्र से ही? सभी लोग पलवल क्षेत्र से हैं और सभी लोग तकरीबन कैंप से हैं, एक आध कोई अगर है तो एक आध शहर से है, बाकी तकरीबन सारे कैंप निवासी हैं और लगभग दुकानदार आदमी हैं। तो मान के चले पिछली जो लगातार रामलीला चल रही थी उसमें और इस दौर में क्या अंतर देखा जा सकता है? देखो, पहले अंतर ये था, पहले सीधी सादी सिंपल तरीके से रामलीला हुआ करती थी। बाकी इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जो हमसे पहली पीढ़ी के जो